अलग विचार हो सकता है, अलग अलग भावनाएं हो सकती है, परंतु पूजा के समय सारे लोग एक होते हैं, एक सूत्र में बनते हैं। और जहां तक चुनाव की बात भी होती है तो ये पूजा ही हमारे लिए माध्यम है जो एक सूत्र में बांधकर पूरे गांव के लोगों को एकत्रित कर एक तरफ आकर्षित करके खींचता है। इसका मिसाल है, आपने देखा होगा कि इस पिछले लोकसभा चुनाव में भी, मैं करेक्ट तो नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 85% प्लस वोट जो आपका था एक तरफ था, पवन सिंह जी के तरफ था। इसके बावजूद भी हमारा किसी से कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है, किसी भी दल के लोगों से नहीं है। सारे लोगों का स्वागत है, सारे लोगों का अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके चहेते आज के मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति सिंह जी से नम्र निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और अपने दर्शकों को संबोधित करें। आप सभी को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतने काली पूजा में मुझे इनवाइट किया और सम्मानित किया। आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ मैं। और आप सभी को दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुख्य अतिथि का आशीर्वाद, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मैं मुख्य अतिथि का महाकाली पूजा समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं। और अब इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा प्राथमिक शिक्षक संघ औरंगाबाद जिले के अध्यक्ष और हमारे गांव के जाने माने चहेते अशोक पांडे जी को कि आप मंच पे आए और धन्यवाद ज्ञापन कर इस कार्यक्रम का समापन करें। मैडम, आपके लिए एक हम शेर से शुरुआत करेंगे कि तूफान की जद में मजबूत इमारत भी, तूफान की जद में मजबूत इमारत भी, ऐसे तो नहीं केवल तिनके ही बिखरते हैं हालात के आगे तुम खुद के बदलते हो। एक ज्योति सिंह जी हैं जो अपने हालात को बदल देते हैं। यही वह धरती है, यह जो आज परंपरा जो लगभग सैकड़ों वर्षों से जो चली आ रही है, या जो परंपरा जो हमारा जीवित है, इसमें सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो जो माताएं बहने बैठी हुई हैं उनका सबसे ज्यादा योगदान है। इसलिए कि जैसे ही कल के बाद जो कार्यक्रम जब खत्म होगा तो हर एक घर से हमारी इस गांव को जो माताएं बहने हैं वह एक एक मुट्ठी चावल इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए लगाती हैं। यह हमारी इस गांव की परंपरा है। दूसरी चीज, आप देख सकते हैं ग्रीन रूम में कि 5 वर्ष से नीचे के बच्चे, कहा जाए तो नंगे बदन इस कार्यक्रम को करने के लिए जिस तरीके से उनमें उतावलापन है, यह हमारी गांव की परंपरा है। और उससे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हमारे कमेटी के धर्मेंद्र जी, रामानुज जी और अन्य लोग जिन्होंने लगातार पिछले 2 महीनों से दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को, इस परंपरा को, इस रिवाज को जारी रखने का कार्य करते हैं। तो आपने अपना कीमती समय माँ काली की धरती आदर्श ग्राम जयपुर में आपने समय दिया है, इसके लिए समस्त ग्रामीण जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जयपुर, जय माँ काली। धन्यवाद। इस उद्घाटन कार्यक्रम का समापन किया जाता है और आगे आप सांस्कृतिक बलराम सिंह जी, आप माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर हमारे बगल के पंचायत सुनौरा पंचायत के उप मुखिया श्री लव कुमार जी को आप सम्मानित करें। बलराम सिंह जी, धन्यवाद। और हमारे समक्ष आप 5G के जमाने में औरंगाबाद में जरूर देखते होंगे अपने मोबाइल पे, हमारे जिले के चर्चित यूट्यूबर अंकित पांडे जी पधारे हुए, आपके समक्ष अंकित पांडे जी पधारे हुए हैं। तो मैं
आग्रह करूंगा बलराम सिंह जी से कि आप माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर यूट्यूबर श्री अंकित पांडे जी को सम्मानित करेंगे। श्री अंकित पांडे जी धन्यवाद। आप इनसे फेस टू फेस परिचित हो या नहीं हो, अगर आप औरंगाबाद में हैं तो मोबाइल से जरूर परिचित होंगे। धन्यवाद। और अब इस कड़ी को समयाभाव के कारण मैं जिन सज्जन अभिभावक गण को सम्मानित मंच पे नहीं कर रहा हूँ उनसे क्षमा चाहूंगा, परंतु इस समिति और इस गांव के लोगों के दिल में आपका सम्मान सदैव है, रहेगा और अभी भी बना हुआ है, आपकी आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। तो आइए समयाभाव के कारण इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब उद्घाटन का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। तो मैं मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति सिंह जी से नम्र निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और हमारे सारे अतिथिगण इनके सहयोग में आए और दीप प्रज्वलित कर मंच का उद्घाटन करें। एक बार जोरदार ताली आपके तरफ से होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। हेलो, तो दोस्तों अब इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कम समय में आपके समक्ष मुख्य अतिथि और कुछ अतिथिगण का अभिभाषण आपके समक्ष प्रस्तुत करने का आग्रह करूंगा। आप इनके अभिभाषण का आनंद लें। तो मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा हमारे गांव से और जिले के चर्चित जाने माने ज्योतिषाचार्य अपनी परचम लहराने वाले एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक श्री श्री राम पांडे जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और अपना दो शब्द संबोधन करें। 98वीं दीपावली के शुभ अवसर पर माँ काली को नमन करते हुए हमारे मंच पर मंचासीन श्रीमती ज्योति सिंह जी और उप मुखिया लव कुमार सिंह जी, जिले के कई मुख्य संस्थान के संरक्षक भाई नरेंद्र सिंह जी, शिक्षक संघ नेता अशोक कुमार पांडे जी,
एवं मंच पर विराजमान हमारे गणमान्य साथियों, बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मंच पर तीन शक्ति स्वरूपा विराजमान है।